छह दिन पहले सरकटी लाश देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे और पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। आप सभी को जानकारी है, 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 दूसरे का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लगी थी क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियां आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में हमारी थी उन सबको क्रॉस चेक कराया गया, उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। सर को धड़ से अलग करने वाला कोई और नहीं, जन्म देने वाला पिता ही निकला। उसके फैसले के खिलाफ जाने पर वह बेटी के लिए बाप से हैवान बन बैठा। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज शाहिद ने पूरी प्लानिंग के साथ बेटी की हत्या कर दी थी। इसके बाद तमाम सबूतों को मिटा रहा था। बुधवार को कातिल पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाना लिसाड़ी गेट की ज्वाइंट टीम्स लगी हुई थी, लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन है मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो आला कर्ज था जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही कब्रिस्तान के पास एक नाली में फेंक दिया गया था उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटाक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है डीएनए से सैंपल से इस चीज का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का और इसके साथ साथ जो जहां पर घटना हुई थी वहां पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उससे उसके द्वारा भी जो है घटना स्थल की पुष्टि की। उसने पुलिस पूछताछ में इस जघन्य हत्याकांड की पूरी हकीकत बयान की। बेटी की हत्या करते हुए ना तो पिता के हाथ कांपे और ना ही हत्या की हकीकत बयान करते हुए जुबां कांपी। लिसाड़ी गेट निवासी शाहिद ने बेटी की हत्या के लिए 15 दिन पहले ही योजना बना ली थी। बेटी के कत्ल के लिए ऐसा एक दिन चुना जब घर पर कोई नहीं था। शाइना की बड़ी बहन की शादी मुजफ्फरनगर में हुई थी। वह गर्भवती थी और अस्पताल में भर्ती थी। 11 अगस्त को परिवार के अन्य सदस्य उसे देखने के लिए अस्पताल गए थे। घर पर शाहिद और बेटी शाइना ही थी। इस मौके का फायदा उठाकर शाहिद हैवान बन गया और बेटी को बेरहमी से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया।